नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहां पर हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम लेके आए हैं दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है वीवो का लेटेस्ट Vivo Y20i और दूसरा स्मार्टफोन Redmi का लेटेस्ट Redmi 9। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और कैमरा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के प्राइस की। Vivo Y20i आपको मिलता है 11,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में दिए गए हैं ट्रिपल AI कैमरा, 13+2+2 मेगापिक्सल, फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बैटरी को इसमें मिलती है 5000 mAh की। वहीं बात करते हैं Redmi 9 की, तो आप अगर 2500 रुपये बचा लेते हैं तो मात्र 9000 रुपये की कीमत में आपको मिलता है Redmi 9, जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में मिलते हैं आपको डुअल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल, फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल और बैटरी इसमें भी आपको मिलती है 5000 mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें दोनों स्मार्टफोन में खास। बने रहे मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हैं पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो ये है दोनों मोबाइल के डिब्बे, जो आते हैं कुछ ऐसे पैक होके। Redmi 9 में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिख जाता है, लेकिन Vivo Y20i बिल्कुल छुपा के रखता है अपना डिजाइन को। और दोनों मोबाइल के बैक साइड में आपको थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। तो लीजिए, बॉक्स हो गए हैं ओपन। सबसे पहले Vivo Y20i पे नजर डालें, सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स हमें दिया गया है, जिसके अंदर देखें तो क्विक स्टार्ट गाइड, सिम इजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल के साथ मिल जाता है हमें एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद रेडमी में नजर डाले तो यहां पर सबसे ऊपर एक स्मार्टफोन दिया गया है, इसे फिलहाल रख लेते हैं साइड में। वीवो के अंदर भी हमें स्मार्टफोन मिलता है, इसे भी हम रख लेते हैं साइड में। इसके बाद Redmi में एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसमें हमें सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिया गया है। मोबाइल कवर आपको Redmi ने नहीं दिया है। इसके बाद दोनों ही बॉक्स के अंदर मिलते हैं हमें चार्जर अडेप्टर और USB केबल। चार्जर के साइज में काफी बड़ा डिफरेंट लग रहा है, Vivo का चार्जर काफी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही आपको 10 वॉट के मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। यानी कि दोनों मोबाइल में आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको माइक्रो USB केबल दी गई है। वैसे तो Redmi के जो 8 सीरीज के मोबाइल थे उसमें टाइप सी USB केबल दी गई थी, लेकिन इसमें आपको माइक्रो USB केबल मिलती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक देखें तो कुछ ऐसा हमें लुक देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। साइज लगभग एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। दोनों ही स्मार्टफोन की पावर को ऑन करने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने ब्राइटनेस दोनों की फुल की हुई है, तो ब्राइटनेस ज्यादा आपको मिलती है Vivo Y20i में। आइकन कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के। और दोनों मोबाइल का यूजर इंटरफेस देखें तो Vivo Y20i में आप स्क्रॉल अप करो तो यहाँ आपको सारी ऐप देखने को मिलेंगी। Redmi 9 में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड पर स्क्रॉल करने पर ऐप्स देखने को मिलती हैं। कुछ ऐप आपको दोनों स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं और प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है और दोनों ही मोबाइल में आपको डार्क मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर हम इनेबल करके दिखा देते हैं आपको, तो डार्क मोड इनेबल करने के बाद हमें कुछ ऐसी डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो आप डार्क मोड दोनों मोबाइल में इनेबल कर सकते हैं। बाकी कई ऑप्शन आपको यहाँ पर शॉर्टकट में दिए गए हैं। दोनों मोबाइल में आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन भी मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो Vivo Y20i में आपको मिलती है 6.51 इंच की HD+ IPS LCD, Redmi 9 में आपको मिलती है 6.53 इंच की HD+ IPS LCD। दोनों मोबाइल का एस्पेक्ट रेशो है 20:9 का। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बिल्कुल सेम मिलता है आपको दोनों स्मार्टफोन में, 720x1600 पिक्सल का। बाकी बात करें दोनों मोबाइल के ग्राफिक की, तो GPU आपको मिलता है Vivo Y20i में Adreno 610 का और Redmi 9 में आपको मिलता है IMZ Power VR GE8320 का।
बाकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी के साथ Vivo Y20i आता है और 268 ppi की पिक्सल डेंसिटी आपको मिलती है Redmi 9 में। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डायमेंशन की, तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाइट में Vivo Y20i आता है 164.41 mm की हाइट के साथ, Redmi 9 आता है 164.9 mm की हाइट के साथ। और बात करें दोनों मोबाइल के वेट की, तो Vivo Y20i का वेट है 192.3 ग्राम और Redmi 9 का वेट है 196 ग्राम, यानी कि Redmi 9 थोड़ा सा हैवी है। दोनों मोबाइल का बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। Vivo Y20i में आपको बैक पैनल बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है और इसमें आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलती है। दोनों ही मोबाइल में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है। Redmi 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई ग्लोसी फिनिश देखने को नहीं मिलती है, लाइनिंग दी गई है और इनमें आपको हल्के से रिजेस देखने को मिलते हैं जिनमें थोड़े स्क्रैचेस कम आते हैं। लेकिन Vivo Y20i को आप अगर विदाउट कवर यूज करें तो इसमें काफी जल्दी स्क्रैचेस आ जाएंगे और इसकी शाइनिंग जो है ये चली जाएगी और काफी बेकार लगेगा फिर ये मोबाइल बैग से। इसलिए जब भी आप मोबाइल यूज करो तो ऐसे कवर लगा के रखा करो जिससे स्क्रैचेस आने के बहुत कम चांस रहते हैं और मोबाइल आपका सेफ रहता है। दोनों मोबाइल के रियर पर नजर डाले तो कैमरा सेटअप हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें स्क्वायर कैमरा दिया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपको चार कैमरा दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दो कैमरा मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल के, बाकी यहाँ पर आपको LED फ्लैश लाइट दी गई है। और Vivo Y20i में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 13+2+2 मेगापिक्सल विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर Vivo में मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और Redmi में मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों मोबाइल के राइट साइड पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको मिलती है पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स, प्लस आपको Vivo Y20i में फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर दिया गया है, यानी कि आपको इसमें साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। मोबाइल के ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पर आपको Redmi 9 में देखने को मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, और यहाँ पर देखें तो Redmi 9 ने आपको इस मोबाइल में IR ब्लास्टर नहीं दिया गया है, जबकि 9000 रुपए से ऊपर की रेंज के सभी Redmi के मोबाइल में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता था जिसका यूज आप TV रिमोट कंट्रोल के लिए कर सकते थे। दोनों मोबाइल के लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे जिनमें आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। नीचे की साइड नजर डालें Vivo Y20i में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और मीडिया स्पीकर। Redmi 9 में मिलता है आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और मीडिया स्पीकर, हेडफोन जैक ऊपर दे दिया है और Redmi 9 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, एक छोटा सा गोला, पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पे नजर डाले तो यहाँ पर हमने लॉक सेट कर दिए हैं, दोनों डिवाइस लॉक हैं, तो यहाँ हम ट्राई करेंगे सबसे पहले फिंगर लगाने का। तो इसमें मैंने इस फिंगर को सेट किया हुआ है, तो ये देखिए फिंगर टच की, बिल्कुल टच करते ही डिवाइस अनलॉक। तो यहाँ हमने ये वाली फिंगर टच करते हैं, ये देखिए टच किया, अरे ओ टाइम लिया, वर्क कर रहे हैं, एक साथ करके देखते हैं 1 2 3 स्टार्ट। बिल्कुल सेम स्पीड हमें देखने को मिलती है दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर से। और अब फेस अनलॉक के लिए मैं इस फिंगर को ऊपर कर लेता हूं और ये वाली फिंगर पे मैंने नहीं किया है लॉक सेट। ये देखिए Redmi 9 में भी हम सारा फिंगर्स को कर लेते हैं, आगे डिवाइस लॉक है, फेस के सामने करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। अरे Redmi ने टाइम लिया, अगेन ट्राई करते हैं, Vivo अच्छा वर्क कर रहा है, Redmi थोड़ा स्लो, ये देखिए। तो फेस अनलॉक स्पीड में Vivo Y20i फास्ट है। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों मोबाइल की सेटिंग में, तो यहाँ का इंटरफेस हमें दोनों मोबाइल का बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है। यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहीं से आप फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर को सेट कर सकते हैं। Vivo में आपको अबाउट फोन सेक्शन में जाने के लिए पहले सिस्टम मैनेजमेंट में जाना होगा, जहां पर आपको सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन मिलेगा। Redmi 9 में आपको पहले ही सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन मिल जाता है। तो Vivo में आपको फ्रंट टच OS मिलता है और Redmi 9 में आपको मिलता है MIUI। बाकी दोनों ही मोबाइल में आपको Android 10Q दिया गया है।
फन टच ओएस वर्जन देखें वीवो में तो यहाँ पर मिलता है आपको 10.5 का, और MIUI वर्जन रेडमी में मिलता है आपको लेटेस्ट 12.0.1 का। बाकी यहाँ पर 3GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है वीवो में। और यहाँ हम देखें तो ऑल स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 4GB रैम, स्टोरेज यहाँ दिया गया है 64GB, जिसमें से लगभग 52GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर आप वीवो Y20i में 256GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और रेडमी 9 में आप 512 यानी 512GB तक का मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के प्रोसेसर के, तो Vivo Y20i में आपको 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, और चिपसेट क्वालकम स्नैपड्रैगन 460 का आपको इसमें मिलता है। वहीं बात करें Redmi 9 की, इसमें आपको मिलता है 2.3 GHz का ऑक्टा कोर, और चिपसेट मिलता है MediaTek Helio G35 का विद हाइपर इंजन 1.0 के साथ, जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है। दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो लगभग एक जैसे प्रोसेसर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिलते हैं, कोई इतना एडवांस प्रोसेसर आपको नहीं दिया गया है। 11,500 रुपये खर्च करने पर भी आपको Vivo Y20i इतना भयंकर प्रोसेसर नहीं दे रहा है कि आप इसमें बड़े बड़े गेम स्मूथली प्ले कर सकें। चलिए एक छोटी सी नज़र दोनों मोबाइल के रियर कैमरा पे भी डाल देते हैं, तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आपको कलरफुल कैमरा Redmi दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर ज़्यादा देखने को मिल रहा है Vivo Y20i के मुकाबले। बाकी जूमिंग देख लेते हैं तो 4x तक आप जूम कर सकते हैं Vivo Y20i से, और Redmi 9 से जूम करें तो यहाँ हम पूरा 10x यानी 10 गुना जूम आप कर सकते हैं Redmi 9 से, तो जूमिंग के मामले में Redmi 9 आगे निकल जाता है। कैमरा क्वालिटी में सबसे पहले मैटर करता है सबकी पसंद, सबको अलग अलग कैमरा क्वालिटी पसंद आती है। जैसे मुझे यहाँ पर Redmi का कैमरा अच्छा लग रहा है, किसी को Vivo का अच्छा लग रहा होगा। बाकी आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर हम जूम करके भी दिखा देते हैं, तो यार मुझे यहाँ पर रियर कैमरा में Redmi 9 का कैमरा अच्छा लगा। और ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, तो सेल्फी के मामले में Vivo का कैमरा कमाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरफुल सेल्फी अगर आपको पसंद है तो Vivo Y20i का कैमरा अच्छा है सेल्फी के मामले में। तो फ्रेंड्स ये थे दोनों स्मार्टफोन, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा मोबाइल लेना चाहोगे। अगर आप मेरी राय माने तो यहाँ पर Vivo Y20i मोबाइल कोई खराब थोड़ी है, मोबाइल तो काफी अच्छा है, लेकिन प्राइस कहाँ से अच्छी, कोई प्राइस अच्छी नहीं है। आपको इसमें 11,500 रुपए खर्च करने के बाद भी कोई फास्ट चार्जर नहीं, टाइप सी USB केबल नहीं, और ना ही आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। 11,500 रुपए के प्राइस रेंज में और मोबाइल देखिए, इससे भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको डिजाइन पसंद है तो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी Redmi 9 मुझे अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी कमाल का मोबाइल लगा, मात्र 9,000 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। 4GB रैम मिल रही है, 64GB का मेमोरी मिल रहा है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक आपको मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में इससे अच्छा क्या चाहिए, और बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।